आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। साल 2017 की बात है। ऑस्ट्रेलिया की एक सांसद ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। ग्रीन पार्टी की सांसद थी लारिसा वाटर्स। उन्होंने संसद के भीतर ही वोटिंग के दौरान अपनी 2 महीने की बेटी को ब्रेस्ट फीडिंग कराया, यानी स्तनपान कराया। लारिसा का अपनी बेटी को संसद में दूध पिलाना पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाली घटना बन गई। हालांकि खुद लारिसा का कहना था कि माएं तो आदिकाल से अपने बच्चों को स्तनपान कराती आ रही हैं, तो इसमें इतना चौंकाने वाली बात नहीं थी। वाकई माँ और बच्चे का ये रिश्ता तो आदिकाल से चला आ रहा है। हम भी ये बात एक जमाने से सुनते आ रहे हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए वरदान है। बच्चे के विकास के लिए जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सभी माँ के दूध में पाए जाते हैं। अक्सर लोग अंधविश्वास के चलते बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की छाती से आने वाला पहला दूध बच्चे को पीने नहीं देते, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के लिए माँ का दूध कितना फायदेमंद है, कब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, कब रोक देना चाहिए और इससे जुड़े कुछ मिथक क्या है। नमस्कार, आज तक रेडियो पर यह है वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूँ खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर, ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है, इसके लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी और इसमें ये माना गया कि स्तनपान कराना बच्चे और माँ दोनों के लिए एक जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस दूध में शिशु के विकास से जुड़े अहम तत्व मौजूद हैं। यूनिसेफ के मुताबिक वैसे शिशु जिन्हें सिर्फ स्तनपान कराया जाता है उनकी मृत्यु की आशंका उन शिशुओं की तुलना में 14 गुना कम होती है जिन्हें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया जाता है। हालांकि मौजूदा समय में सिर्फ 41% शिशुओं को ही 0 से 6 महीने के बीच सिर्फ स्तनपान ही कराया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 तक इस दर को बढ़ाकर कम से कम 50% करने का टारगेट रखा है। आपको बता दूं मैं कि दुनिया भर में माँ का पर्याप्त दूध ना मिलने से 8 लाख बच्चों की मौत होती है। तो ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पॉर्टेंस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, डॉक्टर विनीता दिवाकर, जो कि मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में गायनोकोलॉजिस्ट हैं और इनका कम से कम इस फील्ड में 36 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनीता दिवाकर आपका। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया खुशबू, आप कैसे हो? थैंक यू। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर विनीता, आज का टॉपिक हम जानते हैं ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक उसे अपना दूध ही पिलाएं, ऐसी नई माओं को अक्सर जो है ये हिदायत दी जाती है। वजह हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध जो है वो बच्चे को सेहतमंद बनाता है, बीमारियाँ होने से रोकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और इसका कैनवस जो है वो बड़ा करना चाहूँगी कि माँ के दूध के और क्या फ़ायदे हैं जो आम तौर पर लोग नहीं जानते हैं। फ़ायदा तो है, पर किस सेंस में और कितने बड़े लेवल पर ये फायदा बच्चों को होता है उसके बारे में। जी देखिए, ऐसा है, ईश्वर ने हमें एक नेचुरल सोर्स दिया है। नेचर हमेशा हमारा भला चाहती है और ईश्वर तो बहुत महान है। अब आप देखें, ब्रेस्ट मिल्क जो बन रहा है मदर की बॉडी से बनता है ना, फिल्टर होता है। वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे आप प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स की बात करें, ये सब फिल्टर होके ब्रेस्ट मिल्क में आता है। और आप कहिए, एक रेडीमेड मील बेबी तक पहुंचता है, बॉडी टेम्परेचर पर पहुंचता है, स्टरिलिटी या सफाई की कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल हाइजीनिक है। दूसरी बात, बॉन्डिंग देता है, एक बच्चे की अपनी मदर से बॉन्डिंग, ब्रेस्ट फीडिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉन्डिंग होने से बच्चे को मेंटल सिक्योरिटी आती है, सेफ फील करता है, और ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी में, एक सोसाइटी में एडजस्ट होने में, अपने वर्क प्लेस में एडजस्ट होने में ज्यादा कामयाब होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं। ईक्यू की यदि हम बात करें, आप मेरी बात मानेंगी खुशबू, आज के जमाने में एक पर्सनालिटी के लिए आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, इमोशनल कोशेंट होना बहुत जरूरी है, और वो इमोशनल क्वोशेंट डेवलप होने की बिगनिंग होती है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में। तो आप देखें, मैं तो सोचती हूँ ब्रेस्ट फीड एक सर्वगुण संपन्न मील है जो बेबी को एक मदर दे सकती है।
जी, और जब भी ब्रेस्ट फीडिंग की बात होती है तो अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि जन्म के पहले घंटे में जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है वो बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए, लेकिन इससे जुड़े कई जो मिथ्स हैं वो हैं जिसकी वजह से लोग इसे बुरा मानते हैं कि ये शायद अच्छा नहीं होता, इसलिए वो बच्चों को नहीं पिलाते हैं। तो आपसे मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों जन्म के पहले कुछ घंटे में माँ का दूध पिलाना जो है वो ज़रूरी है। और दूसरी बात, तो मैं यूनिसेफ के कुछ आंकड़े भी देख रही थी जिसमें कि बताया गया था कि 5 में से सिर्फ 2 बच्चे को ही जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध मिल पाता है। तो कितना ये सही है और इसके नुकसान क्या होते हैं? देखिए, ऐसा है खुशबू, हमारे देश में ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक रूटीन कल्चर है, उसके लिए हमको मदर को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, पहले घंटे के जो सिक्रीशन है जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसको फीड कराने की अहमियत ये है कि उसमें मैक्सिमम एंटीबॉडीज एंड मैक्सिमम विटामिंस पाए जाते हैं। इसका एक ये तो साइंटिफिक फायदा हुआ, दूसरा फायदा ये होता है कि आप बच्चे को जितनी जल्दी निप्पल सकलिंग कराते हैं उतनी जल्दी ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है और मदर की फीड लेट डाउन उतनी जल्दी होती है, बच्चा भी सकलिंग सीखता है। तो इसके दोनों फायदे होते हैं। इसका बेसिक प्रॉब्लम यहाँ आता है कि एक मिथ होता है कि ये शायद अच्छा नहीं है, ये येलो कलर का है, ये अच्छा नहीं है, अवेयरनेस नहीं होती है। तो हम लोग उसको काउंटर करने के लिए एंटीनेटल पीरियड में जब मदर्स हमारे पास में आती हैं तो हम उनको वहां से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। वंस वी प्रिपेयर देम कि आपको पहले घंटे में देना है, तो ये चीजें फिर बढ़ती जाएंगी। आप इंडिया में देखो, बहुत आराम से हम इस चीज को करा पाते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, अपने साथ में जो हमारे साथ पेशेंट्स होते हैं। और दिन में कितनी बार जो माएं हैं वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं? देखिए, ऐसा है जो हम लोग मानते हैं, और मेरे भी 2 बच्चे हैं, है ना, तो मैं एज मदर भी बताती हूँ और एज डॉक्टर भी बताती हूँ, ठीक है। बच्चे को हमेशा डिमांड फीड करना चाहिए। डिमांड फीड का मतलब है कि आप घड़ी नहीं देखें कि मैं 2 घंटे में ही कराऊंगी, 3 घंटे में ही कराऊंगी। बच्चा तो वो अद्भुत चीज है, जो भूखा होगा तो रोके खुद ही मांगता है। तो जब भी बच्चा आपसे कहता है कि मैं भूख लगी है, रो रहा है, तो आप उसको डिमांड फीड कराएं, जरूरत के हिसाब से, जरूरत के अनुसार फीड कराएं, घड़ी देखकर नहीं, घड़ी देखकर नहीं। बच्चे की, हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। और वापस देखिए, कहावत भी है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जी, और अब एक सलाह डॉक्टर विनीता उन माओ के लिए जो किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हूँ। एक तो पहले वो क्यों नहीं करा पाती हैं, उसके पीछे की वजहें, और दूसरा कि जब वो नहीं करा पा रही हो तो स्थिति में वो क्या कर सकती हैं? देखिए, इसमें मोटे तौर से 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं है। यदि मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो उसके साइंटिफिक कॉजेज होते हैं। हम मेडिकेशन देकर टेस्ट कर सकते हैं कि मिल्क बनता है कि नहीं मदर को, और यदि वो नहीं बन रहा है तो देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव देन कि आप टॉप फीड बेबी को कराएं, ठीक है ना। अच्छा, यदि मिल्क बन रहा है और उसके बाद भी वो नहीं कर पा रही है, लैचिंग में प्रॉब्लम है, उनकी दोस्ती नहीं हो पा रही है, तो उसमें यूजुअली निप्पल लेंथ कम होती है या इन्वर्टेड निप्पल्स होते हैं, बेबी सकलिंग नहीं कर रहा है, इस तरह उसको दिक्कत हो रही है तो बेबी सकल नहीं कर पा रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए जब मदर प्रेगनेंसी में हमारे पास आती है तो हम लोग एंटीनेटल उसमें ही उनको निप्पल केयर बताते हैं, निप्पल चेक करते हैं, निप्पल केयर बताते हैं, ताकि बाद में उनको लैचिंग की दिक्कत ना हो। अब यदि कभी ऐसा हो कि मदर मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग कराना, तो उसकी काउंसलिंग करना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए। एक बार बताऊं खुशबू, 36 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑब्स्टेट्रिक्स, अभी तक मुझे कोई ऐसी मदर नहीं मिली जो समझाने से या अपने आप से उसने ब्रेस्ट फीडिंग ना कराई हो। बिल्कुल, हर माँ कराना चाहती है, थोड़ा कभी कभी ना उनके साथ बैठना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर सब कराते हैं, ठीक है ना। तो ये कारण होते हैं। जी जी, और अब जो मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर विनीता, आपने भी अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में ये सुना होगा कई लोगों को कहते हुए, और मैंने इवन अपने घर में देखा भी है। जैसे एक बच्चा है जिसने 2 साल तक
वो अपनी माँ का दूध पी रहा था और परिवार लोग जो है वो परेशान थे कि कैसे उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग की आदत है वो छुड़ाई जाए, क्योंकि लोगों का ये मानना है और लोग ये मानते हैं कि 2 साल तक अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो वो बोल नहीं पाएगा, उसके बोलने में डिफ़िकल्टीज होंगी वगैरह वगैरह, कई तरह की भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। तो इसी मतलब किस्से से मुझे याद आया कि आपसे ये सवाल पूछूं कि आखिर कब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना जो उम्र है वो सही है और उसके बाद जो है उसे छुड़वा देना चाहिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि यदि हम लॉन्ग ड्यूरेशन ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसका नुकसान क्या है, हम क्यों बंद करना चाहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। अब आप दोनों परिप्रेक्ष्य से देखिए, यदि बेबी बहुत समय तक ब्रेस्ट फीड करता है तो जब तक वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है वो और कुछ खाना नहीं चाहता, अपनी माँ की गोद का जो सुख है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो ऊपर से जो टॉप आप खिलाना चाहोगे वो उसको नहीं खाता ना एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, वो एक तसल्ली के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करता ही रहता है। दूसरी बात, एक सीमा के बाद, एक एज के बाद बच्चे की डिमांड्स बढ़ती हैं, तो ग्रोइंग बॉडी है और वो मदर से सब ड्रेन कर रहा होता है, मदर्स तब तक कोई सपोर्ट लेना बंद कर देती हैं, सप्लीमेंटेशन लेना बंद कर देती हैं, तो धीरे धीरे उनकी इनर वीकनेस बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसलिए एक अप्रोप्रिएट टाइम है जिस पर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीड छुड़ाना चाहिए, जो कि 9 महीने से 12 महीने का एक ड्यूरेशन माना जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप फीड कराती हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज और भी है, बच्चे का ना दांत आने लगते हैं, तो जब वो फीड कर रहा होता है तो जो उसके ऊपर के दांत हैं वो सब बाहर की ओर आ जाते हैं, तो आप उसका डेंचर का शेप बिगाड़ देते हैं बेबी का, ठीक है, ये कॉस्मेटिक रीजन है, ठीक है। अच्छा, फिर वीनिंग के लिए आप क्या करें, आप कुछ भी कर लो, मिर्ची लगा लो, लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन जो सबसे कामयाब मैंने देखा और सीखा है कि जब भी आप वीनिंग कराना चाहते हैं थोड़ी हिम्मत रखें, 2 दिन के लिए बच्चे को मदर के पास ना सुलाएं, उसके रोने से घबराएं नहीं, 3रे दिन जब बच्चा मदर के पास आता है ना तो वो मांगता ही नहीं, ठीक है। और अगर जबरदस्ती बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा रहे हैं तो क्या उसके भी नुकसान होंगे? नहीं, उससे बच्चे को कोई मेंटल हरासमेंट या फिजिकल टॉर्चर नहीं होता है, बल्कि वो और दूसरी चीजों को खाएगा, भूखा कोई बच्चा नहीं रहता है, कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, और उसका कोई नुकसान बच्चे को नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये हमें अपने मन से शक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमने मतलब अब तक जो बातचीत हुई हमारी बच्चों के लिहाज से हुई कि बच्चों के लिए कैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ज़रूरी है, लेकिन माँ के लिहाज से भी अगर हम देखें डॉक्टर विनीता, तो कैसे ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए फ़ायदेमंद है, कितना फ़ायदेमंद है? माँ के लिए यदि हम बात करते हैं तो एक तो हम इमीडिएट इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनकी भी अपने बच्चों से बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है ना। दूसरा, यदि हम लॉन्ग टर्म बात करते हैं, जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको फ्यूचर में ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होती हैं। अब ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आता है पेनफुल ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में दर्द होना, जिसका साइंटिफिक वर्ड फाइब्रोएडिनोसिस के नाम से माना जाता है, जिसमें बस पेनफुल ब्रेस्ट हो जाती है वो कम होता है, ब्रेस्ट में रसौली बन जाती है जिसको हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, वो उसका इंसिडेंस कम होता है। तीसरा, कैंसर से तो सब अवेयर हैं, इन केसेस में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। यदि हम इसको पलट के देखें, आजकल सब एक बच्चे करते हैं, एक या दो करते हैं, दो करते हैं तो उसके बीच में मोर देन 5 ईयर्स का गैप करते हैं, तो आप देखिए जब हम 40 to 45 ईयर्स की विमेन उठा के देखते हैं, उसमें फाइब्राइड, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कितना राइज कर रहा है। आप तो रिपोर्टर हो, आप देखते होंगे ये चीजें, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग उसको प्रिवेंट करने का एक माध्यम है, इसलिए हमको हर लेडी को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराए। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो लेकिन किन सिचुएशन में आपको ब्रेस्ट फीडिंग उस वक्त इग्नोर करना चाहिए, जैसे कि हम सुनते हैं कि माँ को बुखार है या उनकी तबीयत खराब है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए, तो ऐसे कैसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए बच्चे की सेहत के लिहाज से? देखिए, जहां तक ब्रेस्ट फीडिंग की बात होती है, जब तक मदर की कोई भी बीमारी
ब्रेस्ट के थ्रू मिल्क में फिल्टर होके बच्चे को नहीं जा सकती तब तक मना नहीं किया जाता है, डॉक्टर की तरफ से मना नहीं किया जा सकता जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण ट्यूबरक्लोसिस का लीजिए, बहुत टैबू है ये कि ट्यूबरक्लोसिस है तो फीड नहीं कराना, लेकिन यदि ओपन ट्यूबरक्लोसिस होता है तभी मना करते हैं क्योंकि दोनों को पास में नहीं आने देना है। कोविड का रिसेंट एग्जाम्पल लीजिए, कोविड में जब मरीज डिलीवर होती थी तो उनको ये था कि आप मास्क लगा के विथ ऑल प्रिकॉशंस यू कैन फीड योर बेबी बिकॉज कोविड वायरस डजंट गेट फिल्टर्ड इन ब्रेस्ट मिल्क, आप उसको ओपन एयर से इन्फेक्ट कर सकते हो बेबी को, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट डॉक्टर लेकर चलता है। जहां तक फीवर की बात है कि मदर को फीवर है तो फीड कराना चाहिए कि नहीं, तो उसमें एक चीज होती है कि यदि बहुत हाई ग्रेड फीवर है 102 103 है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा मिल्क का टेम्परेचर भी, तो यूजुअली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पैरासीटामोल लो, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आता है तब आप फीड करा दो, लेकिन नहीं कराओ ऐसा नहीं है। ठीक है, और इस मायने में आप क्या डॉक्टर विनीता सलाह देना चाहेंगी कि बच्चों को जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको बैठकर दूध पिलाना चाहिए या फिर बच्चे को लिटाकर दूध पिलाना सही है? क्योंकि जैसे दादी और जो नानी है वो ये कहती हैं कि बच्चे को सोकर दूध जो है वो नहीं पिलाना चाहिए, तो इसमें कितनी प्रैक्टिकलिटी है, आप इस पर क्या एडवाइस देना चाहेंगी? देखिए ऐसा है, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो एक बात बोली जाती है कि लिटा के नहीं करना चाहिए, आप भी लेते हैं और बच्चा भी लेता है और वो पीट करा रहे, नींद में ही करा दिया, वो नहीं कराना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि यदि आप नींद में बच्चे को पिला रहे हैं और फिर बर्प नहीं कराते हैं तो रिगर्जिटेट होके मिल्क आपके सांस की नली में जा सकता है और उससे बहुत ही अनइवेंटफुल रिजल्ट आ सकता है, बहुत ही अजीब सिचुएशन क्रिएट हो सकती, फेटल हो सकता है बेबी के लिए। इसलिए हमेशा सिटिंग पोस्चर में आप बेबी को फीड कराएं, अपनी गोदी में पिलोज रख के बेबी को ब्रेस्ट लेवल पर लाएं और तब आप उसको फीड कराएं। फीड कराते समय अपनी एक फिंगर से निप्पल को थोड़ा प्रेस रखें ताकि बच्चे की नाक न ढके, ठीक है, और फीड कराने के बाद बच्चे को कंधे पर लेकर बर्फ जरूर कराएं, डकार जरूर दिलाएं, चाहे कितना भी टाइम लगे। कई बार टाइम लगता है तो थोड़ा सा मदर इम्पेशेंट हो जाती है कि इतनी देर हो गई इसने डकार नहीं ली, तो कोई बात नहीं, आप वेट करें, बच्चा डकार लेगा, डकार लेने से एक बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सब स्टमक में है, ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये करना है, लिटाकर फीड नहीं कराना चाहिए, ठीक है। और अब थोड़ा सा डाइट के बाद कि माओं को जब वो ब्रेस्ट फीडिंग के फेज में हो तो क्या अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए ब्रेस्ट फीड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन खुशबू आपने पूछा, मेरा बड़ा इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, ब्रेस्ट फीडिंग करते समय क्या खाना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क की क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, दो पक्ष हैं इस चीज के, ठीक है। जितना हम च्यू करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय, जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस समय यदि मदर च्यू करती है तो मिल्क लेट डाउन बहुत अच्छा होता है, ये हमारे ब्रेन को मतलब सिग्नलिंग है, रिफ्लेक्स है, सेट है हमारी बॉडी में। तो पुराने जमाने में आप याद करिए ये कहा जाता था कि जब फीड कराते हैं तो उनके साथ पंजीरी या लड्डू रख दिया जाता था उनके पास में, और ये कहा जाता था कि जब तक आप फीड करा रहे हो ये खाओ आप। देखिए कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, वो इसीलिए था कि जब आप च्यू कर रही हैं तो मिल्क बहुत अच्छा लेट डाउन होगा, तो वो अभी भी फॉलो होना चाहिए, इसीलिए पंजीरी लड्डू बनाए जाते थे। और ये नहीं कि पहले मैं खाना खा लूं या पहले फीड करा लूं फिर खाना खा लूंगी, नहीं, आप फीड कराते समय च्यू करिए, खाइए कुछ जो भी आपको खाना है, पंजीरी लड्डू अच्छे होते हैं, हाई प्रोटीन है, हाई कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको फायदा देता है, ठीक है ना, एक कस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो हुआ कराते समय की बात। फिर ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो मदर्स हैं, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि 1.5-6 हफ्ते तक हाई प्रोटीन डाइट मिलती है, हर घर में है ये, हमारे इंडियन कल्चर में है ये, ठीक है। बाकी सप्लीमेंट्स जो आपको दिए जाते हैं, जो आपके डॉक्टर ने दिए हैं, वो आपके रिपोर्ट के बेसिस पर कैलकुलेट करके आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 सब कुछ, प्रोटीन पाउडर आपको देते हैं, वो आप लेती हैं, साथ में डाइट में आप प्रोटीन्स अच्छा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट जरूरत के हिसाब से लीजिए,
और फ्रेश चीजें लीजिए, आपका ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होगा, वो सब कुछ ड्रेन करेगा। और बच्चे को एक कहना चाहिए बहुत ही बैलेंस्ड मील मिलता रहेगा। और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए आजकल ब्रेस्ट पंप का भी ट्रेंड बहुत है, तो आपसे ये सवाल मेरा कि ये आफत है या फिर राहत है? देखिए, यदि बिना इंडिकेशन यूज करेंगे तो आफत है, और इंडिकेशन में यूज करेंगे तो राहत है। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेशन होनी चाहिए? हाँ, घड़ी है, टाइम देख लो या बम बना लो। ठीक है। जो ब्रेस्ट पंप है उसके साथ एक बहुत बड़ा मिथ क्या है कि आपको मिल्क नहीं आ रहा है तो आप पंप से खींच के निकाल लेंगे और आप पिला देंगे। देखिए, ब्रेस्ट पंप का बेसिक क्या था कि जब भी निप्पल्स वेरी बहुत शॉर्ट हैं, सकलिंग नहीं हो सकती, या अंदर की ओर मुड़े हुए हैं और सकलिंग नहीं कर पा रहा है, बेबी सकल नहीं कर पा रहा है, पर मिल्क का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में मदर बना रही है, तो आप पंप से सकआउट कर लेते हैं, पंप से सकआउट कर लेते हैं और उस मिल्क को पूरा ड्रेन करके आप बेबी को पिला देते हैं। पर ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्शन है पर वो आउटलेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, वहां ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन ही नहीं है, मिल्क नहीं बन रहा है और आप पंप से सक्शन क्रिएट करके इवैक्यूएट करना चाहते हैं तो कुछ आएगा ही नहीं, जब प्रोडक्शन नहीं है तो आएगा क्या। ठीक है, और अभी इस बातचीत में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब जब हमने इसके बारे में सोचा कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एक पॉडकास्ट करना चाहिए, तो इसके पीछे एक रीज़न था, और रीज़न वो ये था कि ब्रिटिश स्टडी है जो भी हाल ही में जर्नल में पब्लिश हुई है, उसमें ये कहा गया है कि आप जितना लंबा ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चे को, उससे उसका जो एकेडमिक टेस्ट स्कोर्स है वो भी बहुत प्रभावित होता है, वो अच्छा होता है। मतलब जितना लंबा ब्रेस्ट फीड उतना अच्छा उनका एकेडमिक टेस्ट स्कोर। तो इसको लेकर, मतलब इस अप्रोच को लेकर आपकी क्या राय है? देखो, ऐसा है, यदि मैं अपने देश को अपनी नज़रों से देखूं, जो कि मुझे देखना चाहिए, ठीक है जी, तो एकेडमिक स्कोर्स के लिए केवल ब्रेस्ट फीडिंग एक पार्ट है, एक कॉम्पोनेंट है। एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है जी। अदर कॉम्पोनेंट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारी इंडियन फैमिलीज में बच्चे को हम बहुत ज्यादा मेंटली सिक्योर करते हैं, इन द सेंस हम छोटे बच्चे को कभी अलग नहीं सुलाते। हाँ, या सुलाते हैं तो उस पर हाथ रख के सुलाते हैं, उसको अलग रूम में नहीं सुलाते जैसा कि वेस्टर्न कल्चर में होता है। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, लोग होते हैं, इसलिए इंडियन बच्चा बहुत जल्दी बोलता है जी। ठीक है, अच्छा, घर में भी ये व्यवस्था की जाती है कि बच्चा फैमिली मेंबर के साथ रहे, आप अपने सपोर्ट सिस्टम को ढूंढते हैं और बच्चा फैमिली वालों के साथ ही रहता है। ठीक है ना, ये सब चीजें भी उसके एकेडमिक स्कोरिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये उसको मेंटल सिक्योरिटी देती है। हमारे यहाँ टॉयलेट ट्रेनिंग एट बर्थ शुरू करा देते हैं हमारे बड़े घर के। ठीक है ना, हमारे यहाँ डायपर ड्यूरेशन तुम रिसर्च में किसी में भी निकाल के देख लेना, इंडियन बेबी डायपर सबसे कम यूज करता है कम ड्यूरेशन के लिए जी। एंड टॉयलेट ट्रेनिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेंटल सिक्योरिटी। मैं इस वर्ड को बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ भी होने के लिए, कोई सा भी IQ डेवलप करो या EQ डेवलप करो या कोई स्कोर के लिए, बच्चे का सिक्योर होना मेंटली बहुत जरूरी है कुछ भी जी। और चलते चलते डॉक्टर विनीता, आखिर में आप ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में बता दीजिए, ताकि लोग अगर ये कहीं सुनते हों तो ये पॉडकास्ट सुनकर एटलीस्ट वो अवेयर हों कि ये बातें गलत हैं। सबसे पहले नहीं बोलने वाले को लेते हैं, लेफ्ट में पानी और राइट में खाना होता है, मिल्क होता है। मैं समझदार व्यक्ति से मिलने की तलाश में हूँ और मिलेगा तो मैं भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, पर ऐसा तो आज तक तो हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा, जहां तक पेन का बात है, जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो पेन होता है, इलेक्ट्रिक करंट के समान होता है। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जब डक्ट्स में से मिल्क लेट डाउन होगा तो वो फील आता है, इसीलिए ये कहा जाता है, तुम माँ के अपन बोलते हैं ना, मैंने 9 महीने तुम्हें दूध पिलाया है। ठीक है, तो उस पेन को एज नॉर्मल परसीव करना चाहिए, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं वो आपका कोई नुकसान कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जहां तक निप्पल केयर एंड क्लीनिंग की बात है, ये बात हम प्रेगनेंसी ड्यूरेशन से सिखाते हैं, और फीडिंग करते समय हर फीड के बाद निप्पल वाइप से या वेट कॉटन से निप्पल क्लीन करना है, और उस पर निप्पल केयर बटर या जो भी लोशन बटर आपके पास हो
वो लगाना है ताकि सकलिंग के बाद जो हल्का सा मिल्क रह गया है निप्पल पे वो ड्राई ना हो, उसको आप पोंछ दें। जो लोग ये नहीं करते हैं, ये मिल्क ड्राई होके वहाँ चिपक जाता है और बच्चा जब अगली बार सकलिंग करता है तो बहुत स्ट्रांग वैक्यूम क्रिएट करता है खुशबू वो अपने आप, ठीक है। तो उसमें ये ड्राई लेयर खींचती है और अपने साथ निप्पल की सॉफ्ट स्किन को उधेड़ देती है। तो निप्पल क्रैक्स होते हैं जो डिलीवरी के बाद आपने सुना होगा, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है ना। तो वो अवॉइड करने के लिए डे वन से आपको ये चीज करना चाहिए तो ये दिक्कत नहीं आएगी। निप्पल वाइप्स भी आते हैं, नहीं तो आप वेट कॉटन बॉइल करके उससे भी क्लीन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनीता हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत डिटेल में आपने सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं और उम्मीद करती हूँ कि जो माएँ इस सवाल से जूझ रही हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे अपने आप को केयर करें, बच्चों को कब पिलाना चाहिए कब ये नहीं पिलाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, उन्हें इसके जवाब मिले होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनीता। थैंक्स खुशबू। ओके, तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें मेल करके बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।